कैसे होंगे किसान भाइयों, आप सभी बढ़िया में होंगे। ये देखिए हमारे यहाँ बारिश की शुरुआत हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं दो पेड़ के बीच में पानी। ये देखिए जो फ्रूट पीछे आए थे वो, ये आप देख सकते हैं सब खराब हो चुके हैं। ये देखिए तीन इंच तक बारिश हुई है हमारे यहाँ। ये देखिए ये सभी फ्रूट को बाहर तोड़, सभी फ्रूट को बाहर फेंकने पड़ेंगे। ये देखिए फ्रूट, ये भी देखिए फ्रूट, सभी पौधे में आप फ्रूट देख सकते हैं लेकिन खाने लायक नहीं बन पाए और ख़राब हो जाएंगे बारिश की वजह से, फंगस एक्टिव हो जाएगी। ये देखिए ये तो सभी बिन जरूरी कचरे को बाहर फेंकना था लेकिन बारिश की वजह से वो भी हम काम नहीं कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं खरपतवार कितनी निकल आई है। अभी खरपतवार का स्प्रे चालू करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं ज़्यादा धूप की वजह से छोटे फल पर भी पूरा डॉट डॉट डॉट, ऐसे सभी फ्रूट को तोड़ के बाहर फेंकना पड़ेगा। ज़्यादा मजूरी आएगी ऐसे सभी पौधे को तोड़ के बाहर फेंकना। ये देखिए फ्रूट की हालत। ये देखिए बिन जरूरी सभी ऐसी शाखा को तोड़ा था और बाहर में बाद में फेंका था लेकिन बारिश की वजह से वो सभी, अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा सभी। ये देखिए पूरा छोटे छोटे फल गिरे हुए हैं थड़ के बाजू में, वो पूरा साफ करने के बाद ही हम चलाएंगे। पूरा साफ करने के बाद ही गाय का गोबर और खाद चालू होगा। ये फ्रूट देखिए, ये देखिए डॉट शुरू हो चुकी है फंगस बारिश की वजह से। ये देखिए डॉट फंगस शुरू हो चुकी है, पूरे फल को खराब तेजी से कर देती है बारिश के टाइम में। बारिश में अच्छी तरह हम स्प्रे भी नहीं कर सकते, उस हिसाब से ये फल की हालत खराब हो चुकी है। देखिए फ्रूट, ज़्यादा धूप की वजह से भी फ्रूट खराब है अभी बारिश के टाइम। यस ऐसे सभी फ्रूट देखिए अंदर, फ्रूट के अंदर देखिए कितने फंगस है, एक्टिव फंगस। नई शाखा, बारिश का पानी मिलेगा और नई शाखा शुरू होगी। छोटे छोटे सभी बड़े, ये देखिए छोटी शाखा में पानी
पानी, बारिश का पानी मिला, इसी हिसाब से ग्रोथ चालू हो चुकी है। चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए किसान भाइयों।